हमें नहीं पता चलता, किंतु भीतर से ये कथा हमें धीरे धीरे बदल देती है। जो आप लोग यहाँ नियमित कथा को सुनते होंगे या टीवी पर जो लोग नियमित सुन रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि हम न जाने कब हमारा स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है, न जाने कब हम भगवान के करीब आने लगते हैं, केवल इस सत्संग के प्रभाव से। इसलिए बस इस सत्संग को छोड़ो मत। कोई आदमी रास्ते से आ रहा है, किसी ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? भागवत सुनने जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? हम तो घूमने जा रहे हैं। उसने कहा भले आदमी 84 लाख योनियों में घूम लिया, अब भी थका नहीं, अब इससे ज्यादा कहां घूमेगा। अब तू ठाकुर की शरण ग्रहण कर, अब तू अपने जीवन को भागवत को समर्पित कर। क्यों? क्योंकि जो भागवत का हो गया, समझ लो वो भगवान का हो गया। जो सत्संग का हो गया, वो भगवान का हो गया। इसलिए आवश्यकता है, कथा केवल बोलने के लिए नहीं है कि आपको भाषण दिया जा रहा है, आप 3 घंटे बैठ के सुनिए। कथा बोलने के लिए नहीं, कथा दिल को खोलने के लिए बनाई गई। हृदय के सारे पटों को जो खोल दे, उसका नाम ग्रंथ है। ग्रंथ की परिभाषा क्या है मालूम है किसी को? देखिए, आज कथा का पहला दिन है, इसलिए मैं आपको पहले दिन ही बता दूं कि हम सब यहां कोई भाषण नहीं करने वाले, एक 7 दिन तक संवाद है आप एक श्रोता और वक्ता के बीच का। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहेंगे, और कहते कहते 7 दिन, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी बीच में उत्तर देना होगा। ग्रंथ का अर्थ है कि जो हृदय की ग्रंथि को खोल दे, उसका नाम ग्रंथ है। अब किसी ने कहा कि हृदय की ग्रंथि को खोल दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज खोलोगे तो कल कहीं और जाके अपने आप को फिर गांठ बांध लेगी। ग्रंथ माने जो हृदय की ग्रंथि को संसार से खोल करके श्री कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसका नाम ग्रंथ है। खुली ना छोड़े, खुली छोड़ दी तो खतरनाक है, कहीं और जाके बंध सकते। संसार से ग्रंथि खोल करके कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसका नाम ग्रंथ है। इसलिए सत्संग क्या नहीं करता, सत्संग बिन बादल वर्षा है, बिन बादल वर्षा है। दुनिया में लोगों के बहुत सारे मौसम होते हैं, किंतु भक्त के 2 ही मौसम हैं, पतझड़ और बहार। पतझड़ कब? जब उसको भगवान की कथा सुनने को ना प्राप्त हो। और बहार कब? जब उसको सुनाई दे कि कहीं सत्संग होने वाला है, मानो उसके जीवन में बहार आ जाती है, आनंद की लहर आ जाती है। हर मौसम यही है। कथा में जब कोई भगवान की चर्चा आए और तुम्हारे आंख से अश्रु गिरे, तो समझो अब वर्षा का मौसम आ गया। ब्रज गोपियां जिनके नित्य प्रति आंखों से अश्रु की धारा बंद नहीं होती थी, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे।
यही मौसम है भक्ति का, यही भक्त का आनंद है, यही भक्त का जब प्रभु की याद आए, कभी उसकी याद में अश्रु बहें, कभी उसकी प्राप्ति में अश्रु बहें, कभी विरह में अश्रु बहें। सत्संग में हर मौसम आता है, सत्संग में हर चीज प्राप्त होती है। इसलिए जिसने सत्संग को पकड़ लिया उसको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, जिसने सत्संग को पकड़ लिया भगवान उसके पीछे पीछे भागते, उसके पीछे प्रभु भागता। क्योंकि जहां सत्संग है वहीं प्रभु का वास है। न जाने किस रूप में प्रभु आकर के हम पर, जब हम सत्संग में बैठे हों और कृपा कर दें कि हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी का सातवें दिन हाथ हमारे सर पर रखा हुआ हमें दिखाई दे। ये सत्संग की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, भगवान को प्राप्त करने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इससे ही, इस सत्संग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और यहां तक जगत गुरु के बाप का कथन है। जगत गुरु का बाप कौन? श्री वसुदेव जी। भगवान के जो सबका पिता है, उनके भी जो पिता हैं श्री वसुदेव जी, वो नारद जी को कहते हैं, भगवन श्रोतुम इच्छामि धर्मान भागवतान स्तव यान श्रुतवा श्रद्धया मर्तया मुच्यते सर्वतो भया। यानी मैं आपसे उस भागवत धर्म को श्रवण करने की इच्छा चाहता हूं जिसको श्रवण करने से मर्तया, मरण धर्मा यानी पशु पक्षियों का भी उद्धार हो जाता है। बस शर्त है, विशेषण दिया, यान श्रुत्वा श्रद्धया, जो इसको श्रद्धा से सुने तो इसके श्रवण से पशु पक्षी तक का भी उद्धार हो सकता है। तो हम जैसे मनुष्यों की तो कौन बात कहे। कथा सुनने का सबका अंदाज निराला होता है, कुछ बोर होके सुनते और कुछ विभोर होके सुनते, कुछ टाइम पास के लिए आते हैं तो कुछ अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आते हैं। कई लोगों से आप पूछते ना, भैया कैसा, सब कैसा चल रहा है लाइफ में, कैसे हो? तो कहते हैं हाँ बस काट रहे हैं समय। अब इन अज्ञानियों को कौन समझाए कि ये जीवन काटने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन जीने के लिए मिला है, ये जीवन उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हम, यहाँ जीवन का निर्माण करने के लिए हम आए हैं। और वो निर्माण केवल और केवल इस सत्संग से हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, आप 3 घंटे कथाओं में बैठते हो, पहले भी आप कथा श्रवण करते होंगे, क्या इन 3 घंटे में आपने कभी ईर्ष्या की? हाँ या नहीं? कभी क्रोध किया? हाँ, एक दो तो अपवाद आपको मिल ही जाएंगे, वो बेचारे जगह के लिए लड़ते फिरते रहते, वो अलग विषय है। बाकी अधिकांश लोग 3 घंटे जब कथा में बैठेंगे क्रोध नहीं करेंगे। आप जब इस 3 घंटे कथा में बैठते हो, आपने कभी कपट किया? तो विचार करिए, जब कुछ क्षणों के लिए आप सत्संग से मिल जाते हो तो आपकी सारी बुराइयां आपसे दूर हो जाती हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन सत्संग से जोड़ दो तो विचार करिए, आपकी सारी बुराइयां एक क्षण में आपसे दूर हो जाएंगी।